हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ड्रीम किचन दोस्तों आज मैं आपके साथ मुर्ग काली मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसे मैं वाइट ग्रेवी में बनाऊंगी काली मिर्च के फ़्लेवर और टेस्ट वाली चिकन की ये एक डिफ़रेंट रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं तो काली मिर्च का मुर्ग बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था जिसे मैंने वॉश करके साइड में रख लिया है अब ये मसाले इसमें, इसमें इस्तेमाल होंगे जिसमें मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे रफड़ी चॉप कर लिया था दो टेबल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तीन हरी मिर्च ली हैं और आधा नींबू लिया है उसके अलावा ये कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें एक टीस्पून जीरा है डेढ़ से दो इंच का सिनेमन स्टिक है दो हरी इलायची दो लौंग एक बड़ी इलायची और दो तेज़ पत्ते हैं दो सौ ग्राम मैंने फ्रेश दही लिया है पचास ग्राम मैंने मिल्क क्रीम ली है ये आधा टी मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है काजू हैं ये रोस्ट किए हुए टूटे हुए हैं अगर आप साबुत ले रहे हैं तो दस काजू ले लें और ये एक टेबल स्पून काली मिर्च है जिसे मैंने अभी अभी कोर्सली ग्राइंड किया है इसका पाउडर नहीं करना है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैं प्याज काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर लाती हूँ तो आइए चिकन को मैरिनेट करते हैं मैंने चिकन में सबसे पहले आधा टी स्पून नमक डाल दिया और आधा टी स्पून काली मिर्च का डाल दिया कुटी हुई काली मिर्च डाल दी ये मैं वाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ अगर आपके पास है तो डाल दीजिए अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए और ये मैं पेस्ट डाल रही हूँ प्याज काजू और हरी मिर्च का और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है अगर आपके पास साबुत हो तो आप साथ में पीस सकते हैं आठ दस लहसुन और डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा दही मिक्स कर दिया मैंने इसमें और अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूँगी बस इसके अलावा कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपनी वाइट ग्रेवी में चिकन को बनाना है इसलिए रेड पेपर या धनिया वगैरह पिसा हुआ ज़ीरा वगैरह कुछ भी इसमें नहीं पड़ेगा और बस मैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको चार पाँच घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं लेकिन उस हालत में इसे फ्रिज में रखना होगा आइए अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं एक घंटा हो गया है हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए तो 100 एम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और ये साबुत मसाले इसमें डाल दिए हैं आज मैंने धीमी रखी है ताकि मसाले फ़ौर डालते ही जलने ना लगे बल्कि धीरे धीरे इनका एरोमा ऑयल में रिलीज़ हो और ये देखिए हल्के से मसाले क्रैकल होने लगे तो मैं चिकन के पीसेस इसमें डाल दूंगी इस तरह से निकाल के अभी पूरा मसाला इसमें नहीं डालना है सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं और ये बचा हुआ मसाला मैं साइड में रख लूँगी इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी ग्रेवी जब बनाऊँगी इसकी तो अब यहाँ पर आँच मैंने तेज़ कर दी है और चिकन के सारे पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ये देखिए आज मैंने तेज़ कर दी है और जल्दी जल्दी मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी चार पाँच मिनट तक ताकि चिकन हमारा ऊपर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और उसके सारे जूसेस इंटैक्ट हो जाए अंदर ताकि चिकन हमारा अंदर से जूसी और टेस्टी बने और ये देखिए दो तीन मिनट हो गए मुझे भूनते हुए चिकन हमारा अच्छी तरह भून रहा है हल्का हल्का आ, ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं बस एक दो मिनट तक मैं इसे और भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी बचा हुआ मैरिनेशन का मसाला भी मिला दूंगी ये देखिए चिकन हमारा बस ऑलमोस्ट भुन ही गया है ये ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है कॉर्नर्स पे ये देखिए तो अब ये बचा हुआ मसाला मैं इसमें डाल दूंगी और मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे एक बार फिर से तेज़ आंच पर भून लूँगी देखिए मसाला डाल दिया मैंने अच्छी तरह से मिला दिया उसको मिक्स कर दिया है और अब मैं ढक्कन लगाकर इसे कम से कम पंद्रह मिनट तक या चिकन के गल जाने तक पकाऊँगी तो मसाला हमारा कच्चा है प्याज भी कच्ची है दही अपना पानी रिलीज़ करेगा उसी में हमारा चिकन गल जाएगा और इस स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है अब मैं लिड लगाकर इसे 15 मिनट के लिए कम से कम पकाऊंगी लेकिन इसको मैं दो तीन मिनट के गैप से चेक करती रहूंगी और ये देखिए पाँच मिनट के बाद मैंने जब इसे चेक किया था तो इसमें अच्छा खासा पानी रिलीज हो चुका था दही का और प्याज का और चिकन हमारा उसी पानी में गल रहा था एक बार मिक्स करके चला के मैंने उसके बाद फिर उसको ढक्कन लगाकर छोड़ दिया है और इसको इसमें अब सारे मसाले मैरिनेशन के वक्त ही मैंने मिला दिया था अब इसमें कोई मसाला नहीं मिलाया जाएगा चिकन की ग्रेवी हमें वाइट रखना है तो इसलिए हम इसमें कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं मिलाएंगे अगर आप मिर्च थोड़ी तेज़ पसंद करते हैं तो तीन हरी मिर्च मैंने मिलाई थी आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ये देखिए पाँच मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो पानी उसका रिड्यूस हो गया है ग्रे मसाले का तो अब यहाँ पर मैंने आंच तेज़ कर दी है और अब मैं चिकन को अच्छी तरह भून लूँगी क्योंकि ये मसाले जो मैंने बाद में मिलाए थे प्याज वग़ैरह ये अभी कच्चे थे ये भुने नहीं थे तो एक बार इनको भून लेना है ताकि अच्छी तरह इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल हमारा ऊज आउट होना शुरू हो जाए तो ये देखिए आज मैंने तेज कर दिया और मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया है इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और नमक मैंने टेस्ट किया था तो थोड़ा सा नमक भी मैंने और बढ़ाया है और अभी मैंने चेक किया था तो चिकन हमारा पूरी तरह गला नहीं है तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें आधे कप के करीब डाला है और उसके बाद फिर मैं इसे कम से कम पाँच मिनट तक और पका लूँगी चिकन के पूरी तरह गल जाने तक और लेट लगाकर मैंने इसको पाँच मिनट के लिए और पका लिया था और ये देखिए पाँच मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए और ये देखिए अब हमारा चिकन अच्छी तरह गल गया है मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है ऑयल सरफेस पर आ चुका है और बहुत अच्छी सी काली मिर्च की खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें और ग्रेवी मैंने चेक की तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी थी ग्रेवी की अगर आपको कि ग्रेवी इस स्टेज पर गाढ़ी हो जाती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं लेकिन मैंने पहले ही पानी डाल दिया था तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की और अब यहाँ पर मैं इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट मिल्क क्रीम ऐड करूँगी ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें अगर नहीं चाहते हैं तो ना डालें और ये देखिए मिल्क क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको डेढ़ दो मिनट बस और आंच पे रखूँगी और उसके बाद मैं आंच बंद कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे डिश आउट करूंगी तो क्रीम डालकर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया अब मैं लेड लगा इसको छोड़ दूंगी और बस एक मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये देखिए हमारा मुर्ग काली मिर्च बनकर तैयार है वाइट ग्रेवी में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की ये डिफरेंट रेसिपी है आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और इसका फीडबैक मुझे दें अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें